सो फाइनली दोस्तों, यामा कंपनी अपनी एक 125 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है यामा MT125, जिसमें दोस्तों आपको एग्रेसिव स्पोर्टी लुक, एडवांस फीचर्स और बेहतरीन माइलेज देखने को मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि यामा कंपनी के पास अभी के टाइम में 125 सीसी सेगमेंट की कोई भी बाइक हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस बाइक को हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आप लोगों को इसी अपकमिंग बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही बाइक की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए इस बाइक के लुक की, तो इस बाइक की जो लुक है दोस्तों वो आपको काफी एग्रेसिव के साथ साथ काफी स्पोर्टी भी देखने को मिलेगा। इस बाइक के फ्रंट पे आपको आईसिप की LED DRL के साथ बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों बाइक की जो लुक है उसे काफी एनहेंस करती है और जो देखने में काफी अट्रैक्टिव और एग्रेसिव बनाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी भी मिल जाती है। इस बाइक में आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। एडवांस फीचर्स के तौर पर इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड और VVA यानी वेरिएबल बल्ब एक्चुएशन जैसे एडवांस फीचर्स मिलेंगे। तो फीचर्स जो है दोस्तों वो आपको इस बाइक में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक की जो खास बात है वो है दोस्तों इस बाइक के फ्रंट पे आपको गोल्डन कलर की USD सस्पेंशन मिलेगा, जो कि दोस्तों इंडियन मार्केट में 125 सीसी सेगमेंट की पहली बाइक होगी जिसमें इस तरह के फीचर्स दिए जाएंगे। बाकी रियर में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलेगा। सेफ्टी की बात करते हैं तो इस बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ साथ सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम का सेफ्टी फीचर्स मिलेगा। इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक में आपको 124.47 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 इंजन मिलेगा, जो मैक्स पावर देता है 14.7 PS की 10,000 RPM पर और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 11.5 न्यूटन मीटर का 8,000 RPM पर। माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको 45 से 50 की माइलेज देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ब्रांड न्यू यामा MT125 की एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस 1,20,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं लॉन्चिंग के बारे में बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक को जो है अभी यामा कंपनी ने हमारे इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया है, और हो सकता है कि इसे बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में भी लॉन्च कर सकता है, जिसकी पल-पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस बाइक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।